हाय गाइस, एमटीआर वड़ा मिक्स। हाँ जी, आज हम देखने वाले हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू और रेसिपी दोनों। अच्छा, ये ना 3 इजी स्टेप्स में और 15 मिनट की टोटल रेसिपी है इसकी, ठीक है। और ये पैक है 500 ग्राम का और इसकी एमआरपी रखी है इन्होंने 195 रुपीज़। थोड़ी सी मुझे भी ज़्यादा लग रही थी, आप ऑनलाइन चेक करना, आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल जाएगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। और जो ये 500 ग्राम का पैक है ना, इससे आप आराम से बना पाओगे 30 वड़ा तो बन जाते हैं। मतलब जो साइज मैंने बनाया है ना, अभी आप वीडियो में देखना, उसके आप 30 वड़ा आराम से बना पाओगे। यहाँ दिए हुए स्टेप्स वो तो हम बना के ही देखने वाले हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, वीडियो पॉज करके ज़रूर चेक करना, ठीक है। अब पैक को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपना आटा होता है ना, थोड़ा सा दरदरा सा, वैसे ही आटा है। अब आते हैं मेन स्टेप पे। अब आपको वीडियो ध्यान से देखना है। तो जितना हमने ये मिक्स लिया है ना, वड़ा मिक्स, मैं इसको कटोरी से नाप रही हूँ। एक कटोरी वड़ा मिक्स के लिए हमको चाहिए 1 कटोरी पानी। पानी की आप ना कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, आप देखना, क्योंकि बैटर हमको ना इसका थोड़ा थिक चाहिए होता है। वैसे अगर आप इस रेशो के हिसाब से डालोगे बिल्कुल सही बनेगा। तो नाप के जिस कटोरी में आप आटा ले रहे हो उसी कटोरी में पानी लेंगे और उसके बाद इसको हम ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद एक बार ही ना बैटर को फिर से मिक्स कर देना है, ठीक है। वैसे वड़ा बनाना ना बहुत ही ट्रिकी काम है, बहुत सरदर्द वाला काम है, लेकिन इस पैक से थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखो इसमें हमें क्या डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और एक प्याज को बारीक काट लिया था। ये सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए। कड़ी पत्ता तो भूलना ही मत, तो करी पत्ता की लीव्स को ना थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ के डाल देते हैं। थोड़ी सी हम लेंगे काली मिर्च और इसको हम कर देंगे क्रश। तो मैंने खलड़ में इसको कूट दिया, वो डाल दिया। एक और काम की बात, नमक हमको इसमें नहीं डालना है। नमक इस वड़ा मिक्स में ऑलरेडी डाला हुआ था। तो अच्छे से एक बार ये सब इंग्रेडिएंट डालने के बाद मिक्स कर दिया। बैटर देखो आप कितना गाढ़ा है, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब हमको चाहिए 1 कटोरी पानी, ये हम हाथों में लगाएंगे, बैटर हमारा रेडी है। और एक हमको इस तरह का स्पैचुला चाहिए, आप ये छेद वाला भी ले सकते हो, बिना छेद वाला भी। मैं बताऊंगी इससे हमें क्या करना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले अपने हाथों को गीला कर लीजिए, ठीक है। अब एक चम्मच हम वड़ा मिक्स ले लेंगे और इस वड़ा मिक्स को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे दोनों हाथों में डाल के ना। आपने हाथ गीले कर रखे हैं इसलिए आराम से जा रहा है, अदरवाइज ये चिपक जाएगा हमारे हाथों में। अब हम इसको इस स्पैचुला के पीछे रखेंगे और एक उंगली से इसको वड़ा वाली शेप दे देंगे। हो गया ना इजी इसको बनाना। अब इसको लेके चलेंगे ऑयल में। तो ऑयल जो आपका अच्छे से गर्म हो, उसके बाद आप गैस का फ्लेम कर दीजिए लो। और जिस तरह से मैंने इसको टैप टैप करके निकाला है ना, ऐसे ही निकालना है। अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ, ठीक है। वड़ा लिया, इसके ऊपर छेद किया और ऐसे टैप कर दिया। एक और इजी चीज़ है जो मैंने नहीं किया, आप कर सकते हो, इस स्पैचुला के पीछे भी तेल लगा दो ताकि ये आराम से सरक जाए, ठीक है। आपको फिर टैप टैप भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से निकलेगा। इसको ना डालने की ट्रिक बड़ी ही कठिन होती थी यार, हाथ जलने का डर लगता था, पर इस तरीके से आप करोगे ना इजीली कर पाओगे। और कम गैस पे 5 से 10 मिनट तक कुरकुरे होने तक आप इनको सेकिए, ठीक है। और उसके बाद आप देखना, अभी अभी जाना नहीं है, अभी वीडियो में मेन चीज़ बची है इसका टेस्ट और इसका रिव्यू कि प्रोडक्ट कैसा है। कम गैस पे कर लिया, निकाल लेते हैं, देखते हैं कितने क्रिस्पी बने हमारे वड़ा। तो सबसे पहले क्रिस्पी देखें, टेस्ट में आपको जो प्रोफेशनल टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। और घर पे बना रहे हैं तो हेल्दी भी है। तो अगर आपको कम मेहनत करनी है और वही बाजार वाला टेस्ट चाहिए, बिल्कुल बनाओ जी। बस आपको क्या करना है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना वो फॉलो करने हैं, और इतने कुरकुरे, इतने टेस्टी वड़ा बनेंगे ना, आप बाजार के खाना भूल जाओगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई लाइक द प्रोडक्ट, ज़रूर ट्राई करो। आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। Have a good day. Bye-bye.